हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सभी एकदम अच्छे होंगे। और आज हम लोग लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब सिक्वेंस नाम की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग की एक प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम टोटली एलसीएस पे बेस्ड है। सो बोला जा रहा है, गिवेन अ स्ट्रिंग फाइंड द लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब सिक्वेंस। तो पहले तो हमारे पास एक स्ट्रिंग दी है, बी बी ए बी सी बी सी ए बी, और आउटपुट 7 आ रहा है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं, बी ए बी सी बी ए बी, अगर हम ये सिक्वेंस निकाल लें तो इसका जो रिवर्स करेंगे वो भी इसके इक्वल होगा। यानी ये एक पैलिंड्रोम है और ये साथ में एक सब सिक्वेंस है इस स्ट्रिंग का। जैसे आप देख सकते हो ए बी सी डी, और इसकी लेंथ क्या है? इसकी लेंथ 7 है, इसलिए 7 यहाँ पे आंसर है। नाउ एग्जाम्पल 2, ए बी सी डी। यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगल कैरेक्टर ए बी एस सी डी, यानी मैक्सिमम मेरा एक कैरेक्टर का यहाँ पे सिक्वेंस मिल सकता है जो कि पैलिंड्रोमिक हो। तो क्वेश्चन में हमें एक स्ट्रिंग गिवन होगी, सो जल्दी से एक स्ट्रिंग बना लेते हैं। ए बी डी एफ सी देन बी देन ए। सो आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्ट्रिंग गिवन है। पहला क्वेश्चन ये उठता है, ये पैलिंड्रोम क्या होता है? सो पैलिंड्रोम सिंपल सा वो स्ट्रिंग होती है जो लेफ्ट से पढ़ने में राइट से पढ़ने में एक जैसी दिखती है, लाइक ए बी 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 ए। सो आप लेफ्ट से पढ़ोगे तो भी वैसा ही दिखेगा, राइट से पढ़ोगे तो भी वैसा ही दिखेगा। लेफ्ट से अगर आपका पहला अक्रेंस यहाँ पे ए मिला है तो राइट से भी पहला अक्रेंस ए मिलेगा, उसके बाद अगर आपको बी मिला है तो राइट से भी बी मिलेगा, उसके बाद अगर आपको बी मिला है तो राइट से भी बी मिलेगा। यानी लेफ्ट से जो अक्रेंस होना है वही राइट से अक्रेंस होना है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया एक स्ट्रिंग इवेंट होगी, हमें इस स्ट्रिंग का क्या बताना है? लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब सिक्वेंस, यानी एक ऐसा इसका इस स्ट्रिंग का एक ऐसा सब सिक्वेंस हमें बताना है जो कि क्या हो, पैलिंड्रोम, और एट द एंड वो लॉन्गेस्ट आंसर हमें चाहिए। कई सारे पैलिंड्रोम पॉसिबल है तो हमें जो लॉन्गेस्ट है वो चूज करना है। आप यहां पे देख सकते हो यार, देख क्या सकते हो कि अगर मैंने लेफ्ट से मान लो ए निकाल लिया तो राइट से देखो मैंने यहां पे ए निकाल लिया, लेफ्ट से मैंने यहां पे बी निकाल लिया, राइट से भी मैंने यहां पे बी निकाल लिया। अब आप देख सकते हो अगर मैं इन चार कैरेक्टर्स को चूज कर लूं, चार कैरेक्टर को चूज करके मैं यहां पे लिख देता हूं ए देन बी और यहां से बी यहां से, और एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर में डी बी डी एफ सी में से कोई भी उठा लो, सपोज मैं यहां से डी उठा लेता हूं, सो ए बी डी बी। आप देख सकते हो यहां पे पांच साइज का एक हमें सबसिक्वेंस मिल रहा है जो कि पैलिंड्रोम है और लॉन्गेस्ट भी है, और साथ में इस स्ट्रिंग का आपका एक सबसिक्वेंस भी है। ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब हमें कुछ ऐसा ही अचीव करना है, कुछ ऐसा ही आंसर अचीव करना है। So, कैसे इस आंसर को अचीव करेंगे जरा ध्यान से देखते हैं। पहली चीज, अगर बार बार इस क्वेश्चन में हमारा पैलिंड्रोम पे फोकस किया जा रहा है, बार बार यहां पे हमें लॉन्गेस्ट पे फोकस किया जा रहा है, और बार बार यहां पे हमें सब सिक्वेंस, इन तीन वर्ड पे हमें हमेशा फोकस किया जा रहा है, क्या लॉन्गेस्ट और सब सिक्वेंस जैसा आपको कुछ पता है? एक चीज हमें पता है जो कहते हैं लॉन्गेस्ट कॉमन एंड देन सब सिक्वेंस। लॉन्गेस्ट कॉमन सब सिक्वेंस क्या कहती है कि अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग 1 गिवन है, स्ट्रिंग 2 गिवन है, सो अगर इन दोनों में से मुझे एक सब सिक्वेंस बनाना है और ये जो सब सिक्वेंस है ये दोनों में कॉमन होना चाहिए, लाइक अगर मुझे यहाँ पे ए मिल गया तो यहाँ पे भी मुझे ए मिलना चाहिए, अगर मुझे यहाँ बी मिला कहीं तो मुझे यहाँ पे बी मिलना चाहिए, यहाँ सी मिला मुझे यहाँ सी मिलना चाहिए, यहाँ एफ मिला तो यहाँ भी कहीं एफ मिलना चाहिए। सो यहां से मैं ए बी सी एफ चार कैरेक्टर का एक यहां पे मैं सबसिक्वेंस बना सकता हूं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अभी जो क्वेश्चन दिया वहां पे सिंपल एक ही स्ट्रिंग गिवन है हमें, तो एलसीएस से हम इसे कैसे कंपेयर करें? यहां पे तो एक स्ट्रिंग है, एलसीएस में तो हमें दो स्ट्रिंग गिवन होते हैं, तो क्या कुछ सिमिलरिटी है जरा देखते हैं। अभी देखते हैं कि अगर मुझे जनरल अप्रोच करनी होती कि लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसिक्वेंस मैं किसी भी स्ट्रिंग में कैसे निकालूंगा, मुझे जनरल अप्रोच करनी होती तो मैं कैसे करता? मेरे पास अगर ये बड़ी सी स्ट्रिंग गिवन है तो मैं क्या करता, अगर लेफ्ट से मैंने एक कैरेक्टर पिक करा, इधर से एक कैरेक्टर पिक करा ए, तो अगर इसे क्या होना है, अगर इसे पैलिंड्रोम होना है तो राइट साइड से मुझे कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंडेक्स पे ए मिलना चाहिए। अगर मैंने यहां से सपोज बी पिक कर लिया तो राइट साइड से कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंडेक्स पे मुझे बी मिलना चाहिए। अगर मैंने यहां से सी पिक कर लिया तो मुझे यहां से सी पिक करना चाहिए, अगर मैं यहां से एफ पिक कर लिया तो मुझे इधर से भी एफ पिक करना चाहिए। यानी लेफ्ट से जैसा इसका अकरेंस होने वाला है राइट से इसका अकरेंस वैसा ही होने वाला है। ठीक है। सो कैसा, मुझे थोड़ा सा ना यहाँ कंफ्यूजिंग हो रहा है। क्या कंफ्यूजिंग हो रहा है? कि मैं लेफ्ट से भी ट्रवर्स कर रहा हूँ, राइट से भी ट्रवर्स कर रहा हूं,
इससे अच्छा क्या हो सकता है, इससे अच्छा अगर मैं इसी स्ट्रिंग को रिवर्स कर दूं, अगर मैं एक स्ट्रिंग बना लूं, सो स्ट्रिंग ए बी एंड डी ई ए, सपोज मैं एक स्ट्रिंग बना लेता हूं और इस स्ट्रिंग को रिवर्स कर देता हूं, सो रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए ई डी बी ए। अब आप एक ही स्ट्रिंग में लेफ्ट राइट से जो ट्रवर्स कर रहे थे उससे अच्छा आप इस स्ट्रिंग में लेफ्ट से राइट ट्रवर्स करो और इस स्ट्रिंग में लेफ्ट से राइट ट्रवर्स करो। सो जो रिवर्स स्ट्रिंग है वो पहले वाली स्ट्रिंग का क्या है, रिवर्स है। सो अगर आप रिवर्स स्ट्रिंग में लेफ्ट से राइट ट्रवर्स करोगे, इसका मतलब आप मेन स्ट्रिंग में राइट से लेफ्ट ट्रवर्स कर रहे हो। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। सो अगर ये बात समझ में आ रही है तो एट द एंड हमें चाहिए क्या, एट द एंड चाहिए कि अगर मुझे लेफ्ट से यहां पे एक कैरेक्टर मिल रहा है तो राइट से भी वही कैरेक्टर मिलना चाहिए, और हमने यहाँ पे एक रिवर्स स्ट्रिंग बना लिया है तो अब हम इसमें राइट से कुछ नहीं देखने वाले हैं, हम इसमें भी लेफ्ट से राइट देखेंगे, इसमें भी लेफ्ट से राइट देखेंगे। इसका मतलब अगर मुझे पहला कैरेक्टर यहाँ ए मिल रहा है तो यहाँ पे भी मुझे ए मिलना चाहिए, अगर मुझे यहाँ कहीं बी मिल रहा है तो यहाँ भी मुझे कहीं बी मिलना चाहिए, अगर मुझे यहाँ कहीं डी मिल रहा है तो मुझे यहाँ भी कहीं डी मिलना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? सो अगर मुझे ये बात समझ में आ रही है तो क्या है ये चीज क्या है कि दो स्ट्रिंग यहां पे गिवन, एक एस है एक रिवर्स है, लेफ्ट से जो चीजें मिल रही है पहले वाली स्ट्रिंग में, राइट से दूसरे वाली स्ट्रिंग में भी लेफ्ट से वही चीज मिलनी चाहिए, यही तो मेरा लॉन्गेस्ट कॉमन सब सिक्वेंस है। सो एट द एंड हम लोग घूम घुमा के लॉन्गेस्ट कॉमन सब सिक्वेंस प्रॉब्लम पे ही पहुंच गए। हमें एक स्ट्रिंग गिवन है, उसे करना है रिवर्स, रिवर्स करने के बाद दोनों का एलसीएस निकाल लेना है, और एट द एंड जो मेरा एलसीएस होगा वही मेरा आंसर होने वाला है। सो अब इसकी जल्दी से कोडिंग पार्ट कर लेते हैं। तो मेरे पास दो स्ट्रिंग होने वाली है, पहली S1 हो जाएगी जो S हो जाएगी, S2 जो स्ट्रिंग है वो क्या हो जाएगा, S को रिवर्स कर लेते हैं। ओके, कॉलन कॉलन -1, ये हो जाएगा रिवर्स। N मेरा लेंथ ऑफ S1 है, S1, एंड M मेरा लेंथ ऑफ S2 है। हमारे पास दो स्ट्रिंग आ चुकी हैं तो हम लोग सिंपली LCS निकाल सकते हैं। LCS निकालने के लिए पहले एक 2D एरे बना लेते हैं। तो 2D एरे बोल रहा है जिसमें नंबर ऑफ रोज कितने होने वाली है, फॉर अंडरस्कोर इन रेंज नंबर ऑफ रोज में N+1 मान लेता हूँ, और नंबर ऑफ कॉलम में ले लेता हूँ M+1, यानी दूसरे स्ट्रिंग के साइज के बराबर। अब मैं लूप चला दूंगा और फॉर आई इन रेंज 1 से लेके यहाँ ले लेते हैं N+1 तक, ताकि मैं i=0 या j=0 लेने का कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग उसे बाइकआउट कर देंगे M+1। सो आई की वैल्यू 0 या j की वैल्यू 0 यहाँ आने नहीं वाली है। हम चेक कर लेंगे कि जो ith कैरेक्टर है स्ट्रिंग 1 का, क्या वो बराबर है स्ट्रिंग 2 के jth कैरेक्टर के। अगर ऐसा है तो मुझे एक आंसर मिल चुका है और मैं आगे आंसर की तलाश करूंगा। सो dp ऑफ i-1 j-1, यानी i घटा दिया j घटा दिया। अगर ऐसा नहीं है तो मेरे पास दो चॉइस हैं, पहला i घटा के देख लो, दूसरा j घटा के देख लो, दोनों में से जो मैक्स होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। i-1 एंड j कॉमा dp ऑफ i एंड j-1। अब मेरे पास जो dp है जो आखिरी सेल है वहां पे मेरा LCS स्टोर होगा और वही मेरा आंसर होने वाला है। सो dp ऑफ nth रो का mth कॉलम, ये मेरा आंसर है। इसको सिंपली कर देते हैं रिटर्न और कंपाइल एंड रन कर देते हैं। सो हमारा 7 आंसर आ रहा है, अब सबमिट कर देते हैं। सो हमारा सॉल्यूशन सबमिट हो चुका है। सो प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल थी, सिंपल ये लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब सिक्वेंस सेम प्रॉब्लम है लॉन्गेस्ट कॉमन सब सिक्वेंस के, बस यहाँ पे एक स्ट्रिंग गिवन है तो हमें जो दूसरी स्ट्रिंग बनानी है वो क्या होगी, वो उसका सिंपली रिवर्स हो जाएगा। सो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो में कोई भी आपको प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और अगर वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लग गई हो तो लाइक भी कर देना, और हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक भी हेल्दी एंड कीप कोडिंग।